नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा और धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरिद्वार की हर की पौड़ी से, बिल्कुल हर की पौड़ी से हम सीधे यहां पर मौजूद हैं, आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मूलांक चार वालों की। मूलांक चार वालों का मासिक राशिफल कैसा रहेगा, अगस्त का महीना आपका कैसा रहेगा, हर लिहाज से इस पर हम चर्चा करेंगे। मयंक जी हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह। मयंक जी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टि से कितना मजबूत रहने वाला है अगस्त का महीना, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि मूलांक चार वालों का स्वभाव कैसा होता है। देखिए, मूलांक चार वालों का स्वभाव कैसा होता है, उससे पहले दर्शक शायद ये भी जानना चाह रहे होंगे कि मेरा मूलांक क्या है। हाँ। क्या मेरा मूलांक चार है या नहीं है? बता देते हैं दर्शकों को कैसे जाने कि आपका मूलांक चार है। देखिए, अगर किसी भी माह की आपकी 4 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, 13 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म अगर 31 तारीख को हुआ है, तो आप मान लीजिए कि आपका मूलांक चार होगा। तो मूलांक चार जिनका स्वामी राहु होता है, और राहु जो है शनि का प्रभाव लेके चलता है, यानी कि ज्योतिष में कहा गया है कि राहु का प्रभाव शनि की तरह होता है, धीरे 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 हमारी लाइफ में ये हमें तरक्की देता है, धीरे धीरे ऊँचाइयाँ देता है, हर काम धीमी गति से करता है शनि के मापिक। तो राहु से प्रभावित व्यक्ति जो होता है थोड़ा गंभीर स्वभाव के होते हैं, और कहते हैं कि मूलांक चार एक ऐसा मूलांक है जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यानी कि जैसे मूलांक एक और जैसे मूलांक नौ वाले होते हैं, तो कुछ उसी तरह के मूलांक चार वाले थोड़ा उससे ज़्यादा ही कह सकते हैं होते हैं, और हर बात को ये कहते हैं ना कि जवाबदेही, रिप्लाई करना, तुरंत हाजिर जवाब होते हैं, किसी भी चीज़ को अंदर छुपा के नहीं रख सकते। देखिए, अगर मूलांक चार वाला आपका कोई दोस्त है या कोई भी व्यक्ति आप जानते हैं, तो आप उसके बारे में ये जान सकते हैं जो उसके दिल में चल रहा है वही उसके बाहर है। यानी कि मुंह में राम और बगल में छुरी वाली पॉलिसी ये लोग लागू नहीं करते हैं। दुश्मनी करते हैं तो खुल के निभाते हैं सामने, दोस्ती करते हैं तो भी उसको खुलकर निभाते हैं, ये इनकी पॉलिसी रहती है। बहुत समझदार लोग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग इनके अंदर कोई कोई कमी होती है, लेकिन इनका स्वभाव ये है। इस स्वभाव के कारण माइनस पॉइंट क्या हो जाता है कि इनके अगर 100 लोग इनके संपर्क में हैं तो तकरीबन 90% लोग इनके एनिमीज बन जाते हैं, शत्रु ज़्यादा बन जाते हैं। देखिए, आजकल का समय है नम्रता जी, अगर हम किसी को मुंह पर बोल दें कि आप ये आपके अंदर ये कमी है, आप ये गलत व्यक्ति, तो इंसान बुरा मानता है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि लोग नाराज इसी हो जाते हैं। और आजकल तो लोग चाहते हैं कि हर कोई चाहता है कि भाई सामने वाला मेरी प्रशंसा करे, मेरी अच्छाइयाँ बताए, बिल्कुल बिल्कुल, तो वही व्यक्ति उसके लिए सबसे अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर कोई आपकी एक बुराई गिना देता है तो व्यक्ति कहता है यार ये व्यक्ति अच्छा नहीं। तो मूलांक चार वाले ऐसे ही होते हैं कि मुंह पे बोल देते हैं। इसलिए कहते हैं कि बहुत अच्छे क्रिटिक्स भी होते हैं, किसी चीज में नुस्ख निकालना, कमी निकालना इनको बेहतर आता है। मतलब आप कोई प्रोजेक्ट अगर इनको दे दें तो ये तुरंत बता देते हैं इस प्रोजेक्ट में ये कमी है, तो ये प्लस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है, बिल्कुल। क्या खामियां दूर करनी है ये इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जज कर लेते हैं, और कड़वा थोड़ा बोलना पसंद करते हैं, ये बस इनकी कमी है। इस चीज़ को सुधार लें तो इनके अंदर जो खासियत हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। आलसी बिल्कुल नहीं होते हैं, अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उसको पूरी अच्छी तरह निभाते हैं। समाज में इनको उच्च पद की प्राप्ति इसीलिए हो जाती है क्योंकि इनको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उस पर ये खरे उतरते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत देखी गई है मूलांक चार वालों की। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्त बहुत कम होते हैं, लेकिन जिससे ये दोस्ती करते हैं उस पर ये मतलब कि जान भी छिड़कने को तैयार रहते हैं। आधी रात को फ़ोन करेंगे तो तुरंत आपके सामने हाजिर होंगे। तो ये होते हैं मूलांक चार वाले लोग, ऐसी इनकी खासियतें होती हैं। और चलिए बात कर लेते हैं कि अगस्त का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से मूलांक चार वालों का ये जो महीना है थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। शुरुआती दिनों में आपको कफ कोल्ड की समस्या या
अगर आपको कोई एलर्जी इन्फेक्शन है या हम कह सकते हैं कि साइनस की प्रॉब्लम है, वो समस्या इस समय बढ़ सकती है। खासकर शुरुआती 15 दिन आपको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्किन इन्फेक्शन होने का भी खतरा यहाँ रह सकता है। अगर आप ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ा जितना हाइजीनिक ज़्यादा रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा इन्फेक्शन फैल सकता है। कुल मिलाकर ओवरऑल कोई बड़ी गंभीर समस्या तो नहीं होने वाली है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटी मोटी बीमारी परेशान जरूर कर सकती हैं। मेरी हमेशा से ये सलाह रहती है कि दिक्कत छोटी हो तो उसको तभी इसका इलाज कर लें, उसको बड़ी बीमारी ना बनने दें। बिल्कुल, आर्थिक पक्ष की बात करें तो ये कितना मजबूत रहने वाला है अगस्त के महीने में? देखिए, आर्थिक पक्ष इनका बड़ा अच्छा मजबूत रहेगा, धन लाभ होने की पूरी पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। कारोबारी जो हैं उनको व्यापार में अच्छा लाभ होगा। देखिए, आर्थिक पक्ष के लिहाज से तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि नौकरी पेशा लोगों को तो सैलरी फिक्स मिलती है, अगर किस्मत में अगर धन लाभ भी लिखा है तो कहीं से उनको अचानक से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन असली धन लाभ तो व्यापारियों को ही मिलता है। अगर भाग्य आपका साथ दे रहा है, आप व्यापार करते हैं, आपके नसीब में ये लिखा है कि आप बहुत अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, तो आप व्यापार कीजिए, तो फिर देखेंगे व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो इस महीने मुनाफा ज़बरदस्त होगा, व्यापारियों को धन लाभ ज़बरदस्त होगा, रुका हुआ पैसा मिल जाएगा जो कि पिछले 6 महीने से नहीं मिला हुआ, तो ये प्लस पॉइंट है। खर्च भी इस महीने होगा, लेकिन वो खर्च कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपका नुकसान कहीं होगा या कोई हानि दिखाई दे रही है, शुभ कार्यों में ही खर्च हो सकता है। नौकरी पेशा और बिजनेसमैन की आपने बात की, तो उन्हीं की बात कर लेते हैं आगे भी कि उनके लिहाज से अगस्त का महीना कैसा रहेगा। जो लोग अगर स्विच करना चाह रहे हैं या कोई नया व्यापार खोलना चाह रहा है तो उसके लिए कैसा रहेगा? लेकिन नया व्यापार अगर आप करना चाहते हैं तो इस माह कर सकते हैं, खासकर 15 अगस्त के बाद आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, काम आपका बहुत अच्छा चलेगा। और जो लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो ये महीना बहुत ही अच्छा है, जैसे मैंने बता दिया कि लाभ तो होगा, आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा तभी लाभ होगा। कोई नया प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसके लिए, कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं, ऑफिस खोलना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा समय है 15 अगस्त के बाद आपके लिए रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस समय नौकरी परिवर्तन से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय उनको ऑफर्स तो कुछ आएंगे, लेकिन वहाँ मेरी सलाह ये रहेगी कि अभी ज्वाइन करना नहीं चाहिए, अन्यथा उनको परेशानी ही रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखकर चलेंगे मुलांग चार वालों तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, बाकी आपकी इच्छा है। बात कर लेते हैं अब लव लाइफ की, जो सिंगल हैं उनके लिए क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं और जो मैरिड हैं उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? देखिए, मूलांक चार वाले थोड़े से अनलक्की कहे गए हैं मैरिड लाइफ को लेकर या लव लाइफ को लेकर। कारण क्या है कि स्पष्टवादी हैं, बिटर ट्रुथ ये है कि कड़वा सच कह सकते हैं कि ये हमेशा ही नाराज करने वाली बात कर देते हैं अपने पार्टनर को या अपने जीवन साथी को। तो इस महीने में कोई ना कोई नाराज़गी थोड़ी सी रह सकती है शुरुआती कुछ दिनों में, लेकिन वो नाराज़गी, वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। पिछले काफ़ी दिनों से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ गलतफहमियां चल रही थी, तो वो गलतफहमियां दूर करने का ये बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। कोशिश करें कि थोड़ा सा कम बोलें और बहुत मीठा अच्छा बोलेंगे तो ये आपके पार्टनर को भी बहुत अच्छा लगेगा और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो और भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, और अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये माह काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपकी कोई परीक्षा है, कोई आपका टेस्ट है, एंट्रेंस एग्जाम है, एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है, तो एडमिशन ले सकते हैं, सफलता भी मिलेगी। मयंक जी, मूलांक चार वालों को कौन सा प्रोफेशन ऑप्ट करना सही रहेगा? देखिए, इनके लिए मेरे हिसाब से डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। अगर ये लोग किसी भी फील्ड में, जैसे अगर मीडिया में है तो प्रोडक्शन में जाएं, कहीं ना कहीं अगर ये या फिर अगर अपनी ये फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो प्रोडक्शन करें तो बेटर है। और सबसे बड़ी बात है, मेडिकल फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये लोग मूलांक चार वाले बहुत अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर भी होते हैं, एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट भी होते हैं, तो इन क्षेत्र में जाएंगे, बहुत अच्छे क्रिटिक्स भी होते हैं, इन क्षेत्र में जाएंगे तो जल्दी सफलता अर्जित कर लेंगे। बिल्कुल, और चलिए जाते जाते कुछ उपाय। देखिए, भगवान शिव की आराधना करें, सावन का महीना है,
भोलेनाथ की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। और भोलेनाथ पर कहना चाहिए कि अगर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और धतूरा हर सोमवार को चढ़ाएं, ये नियम बना लीजिए, ये कोई इस महीने का नहीं, हमेशा का नियम बना लीजिए। तो देखिए इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो आप कई बार कुछ गलत बात बोल देते हैं, कड़वा बोलते हैं, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपके अंदर मिठास भर जाएगी आपकी बातों में, लोग आपसे और ज़्यादा खुश रहना शुरू कर देंगे, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। चलिए मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारियाँ दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ और जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।